नमस्कार, टीवी ऑन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ शहर बसाने वाली सिडको के एमडी डॉक्टर संजीव मुखर्जी साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसे दौर में आपको ये मौका मिला, ये नियुक्ति आपकी हुई, सबसे पहले उसके लिए आपका अभिनंदन। आप नवीन भाई की तमाम जिम्मेदारियाँ, डेवलपमेंट की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियाँ आपके आपके ऊपर अभी हैं इस वक्त। क्या अनुभव रहा ये लॉकडाउन में आपको काम को फिर से जो डेवलपमेंट है उसको ड्राइव देते समय? देखिए, कोरोना वायरस आने की वजह से सारे देश में जो है लॉकडाउन लागू किया गया। महाराष्ट्र इनफैक्ट देश ने लॉकडाउन लागू करने के कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू किया गया था, और उस वक्त मैं कोरोना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था। और उसके मैनेजमेंट के तहत शुरू में एक लॉकडाउन का जो फेज़ था, वो लॉकडाउन का फेज़ इसलिए था कि हमें वक्त मिले टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द लॉन्ग पैंडेमिक दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। तो ये प्रिपरेशन के लिए लॉकडाउन का पीरियड था। उसके बाद मिशन बिगिन अगेन जो है, वो मिशन बिगिन अगेन शुरू हो गया है। और जब मैंने सिडको को ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन का ही फेज़ चालू है। मिशन बिगिन अगेन को चालना देना बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम लोगों ने सिडको के कार्यालयों को फिर से जनता के लिए खोला हुआ है। ई पास सिस्टम जो है उसको चालू किया है। हर दिन में हर ऑफिसर का टाइम जो है वो टाइम दिया गया है, जब लोग आके उनसे मिल सकते हैं, विद अपॉइंटमेंट विदाउट अपॉइंटमेंट दोनों के लिए अलग टाइम किया गया है। साथ ही में अगर कोई मिलना चाहे बाय यू नो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वेदर इट इज़ अ वीडियो कॉल और वेदर इट इज़ अ टेलीफोन कॉल, तो वो सारे चीज़ों के लिए किया गया है। और अभी जो है फिर से जो है पूरा देश खुल रहा है, उसी प्रकार से सिडको जो है, सिडको भी खुल चुका है और अभी सिडको जो है पूरी जोरों से काम करना शुरू किया है। सर, लॉकडाउन में देखें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है नवीन भाई के लिए रहा है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स बहुत फुल फ्लैश चल रहा था, उसकी तैयारी थी उसको ऑपरेशनल करने की, लेकिन उसी दौर में ये लॉकडाउन लग गया जिससे काम पर असर पड़ा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर कंडीशन देखा तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ा, डेवलपमेंट को लेकर। आपके पास अभी इस वक्त ये जिम्मेदारी है, कैसे आप दोनों बड़ी परियोजनाओं को आप ड्राइव दे रहे हैं? देखिए, मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दो अलग और मेरे ख्याल से सिडको का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में से ये दो होंगे। सो एज़ फार एज न्यू बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ कंसर्न, इस पर हमने इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जैसी एयरपोर्ट, और इसमें जो कुछ जिम्मेदारियां सिडको की तरफ से थी और कुछ जिम्मेदारियां जो है वो दूसरे पार्टी की तरफ से। सो सिडको की जो जिम्मेदारियां हैं वो बेसिकली लैंड डेवलपमेंट का और लैंड एक्विजिशन का भाग था। तो मुझे खुशी है यहाँ बताने में कि लॉकडाउन था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन के फेज़ के बाद हमने मिशन बिगिन अगेन को चालू कर दिया है, और उसी तहत ऑलमोस्ट 99% ज़मीन जो है, 99% ज़मीन अभी जो है एक्वायर कर चुके हैं हम लोग। और वहाँ का जो लैंड डेवलपमेंट का काम है वो भी करीबन 99% हो चुका है। सो अभी आप अगर गूगल अर्थ पर भी देखें तो आपको एक बहुत बड़ा एक रेक्टेंगुलर पैच ऑफ लैंड दिखेगा, जो कि वो लैंड तैयार है। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि जो दूसरा पार्टी है, दैट इज़ अ न्यू बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी क्या तैयारी है, उनका फाइनेंशियल क्लोजर कैसा होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस प्रकल्प जो है इसकी पूरी गति से ये आगे बढ़ेगी। दूसरा प्रकल्प है न्यू बॉम्बे मेट्रो, और मेट्रो को अगर हम देखें तो ये प्रकल्प जो है करीबन 2010 को शुरू किया गया था, और अभी 2020 में है, तो इसमें काम जो है अभी तक के हुआ नहीं है। तो मैंने मेट्रो का पूरा अभ्यास किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग अभी 10 साल से हम कुछ एक पर्टिकुलर वे से हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ ऑर्गेनिक इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो नहीं जा रहा है। तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स इज द फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑफ द मेट्रो, वन ऑफ द थिंग इज़ द फाइनेंशियल वाइबिलिटी ऑफ द मेट्रो, वन ऑफ द थिंग इज़ द रिमूवल ऑफ बॉटल नेक्स। तो कोई काम जब होता है तो छोटे छोटे बॉटल नेक्स होते हैं, बॉटल नेक्स की वजह से काम हो नहीं पाता है। लॉकडाउन के टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एक बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, मेट्रो में ऐसा है कि मेट्रो हैज़ टू सर्व अ पर्पस, इट इज़ नॉट कि दो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को ज्वाइन कर दिया, तो इट शुड सर्व अ पर्पस। एंड अनलेस इट सर्व्स दैट टोटल पर्पस, दैट अ पर्सन अपने घर से निकलता है और वो सीमलेसली अपने वर्क प्लेस तक के पहुँचे, लास्ट मिनट कनेक्टिविटी, और वापस जाए, अदरवाइज मेट्रो को चालू करके कोई मतलब नहीं है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कोई जाएगा नहीं, ऑटो रिक्शा इज
प्रेफरेबल टू दैट। इसलिए मेट्रो के लिए मैंने हमारे जो सारे इंजीनियर्स हैं और हमारे सारे कंसल्टेंट्स हैं, मैंने उनको उनके सारे बॉटलनेक्स निकालने को कहा है। तो फर्स्ट थिंग हम करेंगे इज द लाइन लिस्टिंग ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स ऑफ द मेट्रो, दैट इज विल बी द फर्स्ट थिंग टू डू। और वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस चालू हो चुका है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। अच्छा। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अल्टीमेटली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल टास्क रहता है। समटाइम्स द टास्क इज एज सिंपल एज राइटिंग अ लेटर, समटाइम्स इट इज हैविंग एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो वो लाइन लिस्टिंग जो है वो लाइन लिस्टिंग हमने किया है, उसके बाद जो है वी विल प्रिपेयर द फुल प्रोग्राम किस प्रकार से करना है। बट आई थिंक फॉर मेट्रो सम टाइप ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग विल बी रिक्वायर्ड, और जैसे वो हमारी थिंकिंग क्रिस्टलाइज होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सर उसका ट्रायल भी हो चुका था और ये था कि नवंबर में ऑपरेशनल किया जाएगा, तो अभी कितना समय और लगेगा मेट्रो को स्टार्ट होने? नहीं वो बताना थोड़ा मुश्किल जाएगा कि किस समय, बट आई डोंट थिंक नवंबर को ऑपरेशनलाइज करने का प्लान है, बिकॉज अगर वो प्लान होता तो इन दैट केस अभी तक के जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के पास प्रपोजल जाती है। देखिए रेलवे को स्टार्ट करने के लिए रेलवे के एक सेफ्टी कमिश्नर होते हैं, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। सो रेल जो है वो भी एक रेगुलेटेड सेक्टर है, उसके कंसल्टेंट्स अलग होते हैं, उसके रेगुलेटर्स अलग होते हैं। सो वो प्रोसेस हुआ नहीं है, एंड इसलिए मैंने जैसे कहा कि मेट्रो को वी आर गोइंग टू गिव इट अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा देनी बहुत ज़रूरी है, एक नए सोच मेट्रो में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें लाइन लिस्टिंग करना पड़ेगा ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स। और ये लाइन लिस्टिंग करते वक्त हमें एकदम खुद से ऑनेस्ट रह के निकालना है कि ये दीज आर द इश्यूज़। भाई सबसे पहले पहली बात कि हमारे पास 10 सिटको हैव द कॉम्पिटेंस टू डू अ मेट्रो, आज 9 इंजीनियर मेट्रो का काम कर रहे हैं और एक जीसी है जिसके पास 92 पीपल आ रहे हैं। अच्छा। तो 9 इंजीनियर्स आर द इनफ टू डू द मेट्रो, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि व्हाट इज़ योर कॉम्पिटेंस, आपने कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट बिल्डिंग किया है क्या, उसके बाद आपकी जो इक्विपमेंट आया है आपने इक्विपमेंट को यूज़ किया है क्या, क्लियरेंसेज है वो आपने क्लियरेंस किया है क्या, डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन जैसा होना चाहिए था उस प्रकार से है क्या। तो इस प्रकार से मेट्रो के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और आई एम श्योर एक इनोवेटिव सोल्यूशन आएगा और मेट्रो को जो है जल्द से जल्द इसको पूरी गति दी जाएगी और आपको इसके बारे में ज़रूर जो है बताया जाएगा। सर इसी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य था कि 2019 दिसंबर या अप्रैल 2020 में पहली उड़ान हो सकेगी, लेकिन अब इसमें अगर लॉकडाउन भी जोड़ दें तो बहुत सारी अभी भी मतलब अभी इतनी तैयारी नहीं हो सकी है कि अप्रैल में तो अप्रैल भी खत्म हो गया, अभी पूरा 2021 आ रहा है। आप एक सक्षम अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं जो स्पीडली काम जो कराने के लिए माने जाते हैं, आपका लक्ष्य क्या है सर इंटरनेशनल नवीबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, पहली उड़ान की आप उम्मीद कब कर रहे हैं? पहली उड़ान की उम्मीद मेरे ख्याल से कब कर रहे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पहली नींव कब रखें, पहला काम हम कब करें। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया है जो सबसे पहले करना है। हमारी तरफ से हमें 100% ज़मीन जो है वो ज़मीन प्राप्त करनी है, और उसमें बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, गांव के लोगों के छोटे छोटे डिमांड्स है, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ले लिया और वो निकले नहीं है। तो मैंने इसके लिए हमारे तरफ से एक स्पेशल एक जॉइंट एमडी को एयरपोर्ट का काम एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है कि ये सारे जो लैंड और रिहेबिलिटेशन के जो इशूज़ है उसको डील करना है। दूसरी तरफ से जो है द कंसेशनर जो है, कंसेशनर ने अपना फिनेंशियल क्लोजर करना है। तो उसके लिए जो है अभी कंसेशनर के साथ हमारा डिस्कशन जो है वो डिस्कशन चालू है। ये दो चीज़ें अगर आ जाती है तो देन उसके बाद ये प्रकल्प जो है वो पूरी तरीके से चालू होगा। बिल्कुल, मेरा सवाल वही था कि क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ प्रकल्पग्रस्तों की हैं, जो इनको कॉम्पिटिशन मिल गया है वो ऑलरेडी अभी भी हैं, बहुत सारा ट्रांसफर अभी तक है, ये नहीं हुआ, स्थलांतरण नहीं हो सका है, उन्हें कैसे आप डील कर रहे हैं जो प्रकल्पग्रस्त हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको पहले उतनी गंभीरता से नहीं लिया? तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी तक के ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली इंजीनियर और मैनेजिंग डायरेक्टर इनके बीच का एक प्रकल्प था, बट अभी एक आईएएस ऑफिसर को मैं अपॉइंट करूँगा एंड द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी लुकिंग आफ्टर दिस especially after the land and rehabilitation issues of the अब land में जो है करीबन 99% land जो है हमने acquire कर लिया है, और actually अगर हमारा official stand देखें तो 4 hectare land सिर्फ acquire करके देना है। लेकिन कोई भी प्रकल्प हो, जैसे irrigation के कई सारे प्रकल्प हुए हैं, तो ये issues जो है उसमें रहता है, एंड those issues have to be handled very sensitively। आखिर में ये सारा development project हो क्यों रहा है, ये तो हमारे पब्लिक के लिए हो रहा है। yes. ये हमारे लिए हो रहा है, तो जो जिन लोगों जो लोग वहाँ रहते थे उसको उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है, बिकॉज
वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट से सबसे पहले तो वहाँ पे जॉब्स मिलता है, यस सर। दूसरे वहाँ पे कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, तो जो लोग वो काम करते हैं उनको वो काम मिलता है। इस प्रकार से उस एरिया का ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी बहुत जोरों से बढ़ती है। सो देयरफॉर देयर विल बी एन ऑफिसर हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, और प्रकल्पग्रस्तों का जो विषय है वो ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। सिडको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रही है, पहले 14,838 घर हुए, उसके बाद 1,00,000 जो घर हैं उसकी लॉन्चिंग की गई। सर क्या अभी कंडीशन है, क्या आने वाले समय में और भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए जाने वाले हैं, क्योंकि मिशन है सिडको का हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक का, 2 साल बचे हैं, कहाँ तक पहुँचा है ये पूरी योजना, कहाँ तक पहुँची है और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, सरकार का जो हाउसिंग फॉर ऑल और हाउसिंग पॉलिसी है, जिसमें सरकार ने सोचा था कि हर भारतीय नागरिक के पास एक घर होना चाहिए, इसके तहत सिडको ने ये हाउसिंग के जो प्रकल्प है ये लिए है और अभी तक के हमने करीबन, हमारा जो लक्ष्य है वो 1,00,000 घर से ऊपर का घर है। अभी इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है। तो एक तो हमें हर एक को घर देना है, तो हाउसिंग फॉर ऑल इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर जो होता है वो प्राइसिंग को डिटरमिन करता है। ऑन वन हैंड द हाउसिंग इंडस्ट्री शुड प्रॉस्पर, ऑन द अदर हैंड जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग ऑल्सो हैज़ टू बी थॉट ऑफ। तो आप प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हो? तो प्राइसिंग ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ राशनिंग, सरकार एक प्राइस डिसाइड कर देती है, लेकिन हाउसिंग में उस प्रकार से आज तक के हुआ नहीं है और सक्सेसफुल भी नहीं रहेगा। सो सरकार क्या करती है, सरकार खुद हाउस बना के एक पर्टिकुलर रेट में मार्केट में अवेलेबल कर देती है और उससे एक इन्फ्लुएंस करती है कि व्हाट इज़ द मीन और एवरेज रेट विच इज़ देयर। तो इस प्रकार से जो सिडको का भी मानस था यही दो थे कि नंबर वन ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है बनाया जाए, और दूसरा है कि टू बी अ मार्केट ट्रेंड सेटर इन द मार्केट, किस प्रकार से प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग की जाए। अब मैं ये कहूँगा कि जो पहला फेज़ के जो ये था, जो 15,000 घर का था, वो जो है वो एडवांस स्टेज में है और उसकी लॉटरी जो है वो हम बाय द एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे ज़रूर। और जो दूसरा फेज़ है जो जिसमें 90,000 घर बनाने का है, तो वो जो है एकदम इनिशियल स्टेज में है। अभी कॉन्ट्रैक्टर को जो है साइट जो है वो साइट हमने अभी कुछ ही दिन पहले हमने दिया है। सो उसका काम जो है उसका काम अभी शुरू हो रहा है और टप्पे टप्पे में जो है इस प्रकार से एक सप्लाई ऑफ हाउसेज इन द मार्केट इसके जरिए चालू रहेगा। सर नैना सिडको का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था, जो एयरपोर्ट इलाका है उस इलाके से जुड़े हुए जो दूसरे क्षेत्र हैं उनको बड़े पैमाने पर डेवलप करने की योजना थी, कहाँ तक नैना में, क्योंकि कई चरण के उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो मंजूर भी हो चुके हैं, जो प्लानिंग उसकी है, तो अब किस स्टेज में है नैना और उसे आगे लेकर किस तरह से आप ड्राइव दे रहे हैं? सो नैना इज़ इन द नेसेंट स्टेज, एकदम इनिशियल फेज है। नोटिफाइड इन्फ्लुएंस एरिया जो है वो नोटिफाई हो चुका है एंड नैना का मॉडल जो है वो मॉडल कुछ और है, वो टाउन प्लानिंग स्कीम के थ्रू करने का उसमें विचार है और बेसिकली 60-40 का एक ऐसा माना जाता है, 60-40 के हिसाब से दिया किया जाता है। तो इस प्रकार से वो एकदम इनिशियल स्टेज में है। तो अभी मैंने एक मीटिंग हुई थी हमारी, तो उस मीटिंग में फिर वहाँ के ऐसा कहा गया कि एक जो वहाँ पे जिनकी ज़मीनें इसमें इन्फ्लुएंस्ड है वगैरह उन सब के साथ एक डिस्कशन किया जाए, तो वो डिस्कशन अभी तक के हुआ नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेज इज़ टू बी हैव अ डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स। उस स्टेज से हम नैना को बेसिकली वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। एक वन टाउन प्लानिंग स्कीम जो है वो सिडको ने अप्रूव किया हुआ है, तो उसका जो सिविक वर्क है वो सिविक वर्क भी चालू किया है और बाकी जगह पे हम उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अब मुद्दा समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ें एक साथ हो जाए। फॉर इंस्टेंस सिडको जो है वो 1970 में आया और आज 50 साल हो गए सिडको को आके, और ये न्यू बॉम्बे एरिया जो है वो डेवलप हुआ, तो न्यू बॉम्बे प्रोजेक्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। फिर उसको स्प्रेड करके फिर पनवेल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिडको आ गया। सो आइडिया इज़ नॉट टू जस्ट बिल्ड बिल्डिंग्स एवरीवेयर एट वन गो, आइडिया इज़ टू हैव अ वेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि साथ में एक इकोनॉमिक टिंज उसमें होना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट हो इट इज़ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। सर 2017-18 में स्मार्ट सिटी की बड़ी जोर शोर से लॉन्चिंग हुई थी, और लेकिन उसके अगर बाद के अगर दिनों में देखा है तो उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक तरह से थोड़ा सा
स्लो कर दिया गया, ऐसा हो गया कि जैसे लगता ही नहीं कि अभी दक्षिण मुंबई जो दक्षिण नवी मुंबई जो स्मार्ट सिटी सिडको की थी उस प्लानिंग को लेकर कुछ बड़ा काम हो रहा है। आप इस दिशा में किस तरह से सोच रहे हैं स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उसके लिए मैंने अभी एक रिव्यू मीटिंग्स मैं लेने वाला हूँ और मैं स्मार्ट सिटी का क्या काम हुआ है उसका एक रिव्यू लूंगा और उसके बाद जो है इसको सी अ सिटी इज स्मार्ट इफ़ इट इज़ इजी टू लिव, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्मार्ट सिटी का जो डॉक्यूमेंट बना था उसमें पहले था कि व्हाट इज़ अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ आईटी, कि मैं घर में आऊँ तो मेरा 24 डिग्री में एसी चालू हो जाए, मैं 9 बजे प्राइम टाइम न्यूज़ देखता हूँ तो टीवी अपने आप 9 बजे चालू हो जाए। लोगों को जो लगता है स्मार्ट लिविंग इज़ अ लिविंग विच इज़ एज पर माई डिज़ायर एंड इट शुड बी ईजी टू लिव, तो उस दृष्टिकोण से आई एम गोइंग टू टेक अ रिव्यू ऑफ दैट थिंग एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। एक हमेशा एक मसला रहा है सिडको के साथ जुड़ा हुआ कि भूमि आवंटन हो या उसका जो रेगुलर कामकाज हो, उसमें अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि सिडको में कुछ अधिकारी धांधली करते हैं। इसके लिए सिडको ने डेडिकेटेड विजिलेंस डिपार्टमेंट की स्थापना की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निगरानी कर रही है। सर, आपके अगर पिछले कार्यकाल को कामकाज को देखा जाए, आपकी जो भूमिकाएं रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही अनुशासित अधिकारी के तौर पर, प्रशासकीय अधिकारी के तौर पर रही है। इन दोनों जो संस्थान है विजिलेंस डिपार्टमेंट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दोनों को लेकर सिडको में बेहतर और साफ सुथरे कामकाज को लेकर आपकी क्या भूमिका होगी? कामकाज देखिए पब्लिक लाइफ में साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट होने के अलावा मेरे ख्याल से किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस, परफेक्ट। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड यू हैव टू बी क्लीन एंड इन पब्लिक लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट ओनली टू बी क्लीन बट टू अपीयर टू बी क्लीन। ट्रांसपेरेंट यू शुड नॉट ओनली बी ट्रांसपेरेंट, यू शुड अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट। यस सर। तो ये जो है ये एक सबसे बड़ा जो भूमिका है और यही भूमिका रहेगी। तो सिडको जहाँ जो भी हम लोग जो प्रोजेक्ट्स करेंगे या जो भी करेंगे तो आई इंटेंड देर हैज़ टू बी पब्लिक पार्टिसिपेशन, देर हैज़ टू बी नॉलेज। एक डॉक्यूमेंट है समझ लीजिए, अभी समझ ये तो अभी मेरे पास नहीं, अंदर रखे हुए कोई डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटिव समरी है किसी प्रोजेक्ट का। मैं तो मानता हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव समरी सभी ने पढ़ना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट है, मेट्रो का लाइन जा रहा है तो उसका जो अलाइनमेंट है समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई टॉप सीक्रेट कुछ होना चाहिए। इट शुड बी मेड अवेलेबल टू द पीपल, लेट पीपल सी। जो आदमी आखिर में रहेगा, जो उस प्रोजेक्ट को यूज़ करेगा, एक सिंपल पकड़ लीजिए, एक पार्क आपको बनाना है। अभी वो पार्क को हम समझ लीजिए ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चों का खेलने का पार्क करेंगे, लेकिन वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं। सीनियर सिटीजन चाहता है कि एक कॉर्नर है जो कॉर्नर में सिर्फ सीनियर सिटीजन जाए, बच्चे ना जाए। सो अब ये बात आपको तो तभी पता लगेगा ना जब आप स्टेक होल्डर से फीडबैक लेंगे। इसके लिए आई विल बिलीव इन स्टेक होल्डर, आई बिलीव इन स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट और स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इज समथिंग विच वी विल हैव इन अ बिग वे इन द डेज टू कम। सर, मैं आखिरी दो सवाल बचे हैं मेरे। एक सवाल तो ये है कि जैसा आपने खुद ही बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर और मेट्रो को लेकर आप विशेष उस पर ध्यान रखने वाले हैं, उसका आपने रिव्यू भी किया है और जो इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप इन दोनों परियोजनाओं को, दोनों प्रोजेक्ट को बेहद इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से इन्हें नई ड्राइव देने की आपके तरफ से कोशिश की, क्या कोई एसओपी अलग से बनाई गई है? चूंकि लॉकडाउन है, कामगार नहीं मिल रहे हैं, दूसरी बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं, तो ऐसे दौर में कोई एसओपी आपके तरफ से कोई डेवलप की जाएगी क्या इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए? एज़ फार एज न्यू बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ कंसर्न, तो उसमें तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे तरफ से लैंड एक्विजिशन एंड अदर साइड की तरफ से फिनेंशियल क्लोजर, दिस इज़ द थिंग टू बी। उसके बाद में जो काम होना है उसके बारे में ऑलरेडी प्लानिंग हैज स्टार्टेड एंड दैट विल बी इन अ टाइम बाउंड वे बिकॉज द साइट इज़ अवेलेबल। So if the site is available and if the finances are available, in that case the airport work should be on a time-bound way. अभी कोविड की वजह से जो पूरे व्यवस्था में जो बदल आई है वो नई जो रियलिटीज़ है वो रियलिटीज़ को प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट देखना प्रैक्टिकल है। सो दैट इज़ वन पार्ट। एज फार एज अ न्यू बॉम्बे मेट्रो प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न, तो मैंने आपको जैसे कहा कि उसके बारे में वी आर लुकिंग फॉर सम इनोवेटिव सोल्यूशंस एंड वो इनोवेटिव सोल्यूशंस बनाना अभी चालू है। जैसे वो इनोवेटिव सोल्यूशंस बनेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी मेड नोन टू एवरीबडी।
मैं दोनों के बारे में अगर मैं आपसे एकदम उसी सवाल के अंदर का है कि हम कब तक उम्मीद कराएं कि सीट को जो है नई बेकरों को मेट्रो और एयरपोर्ट से उड़ान भरवा सकेगी सर? मेरे ख्याल से मेट्रो का करने में इट विल टेक अ ईयर एंड अ हाफ, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 साल पकड़ लीजिए। यस, आई थिंक वी आर प्रैक्टिकल थिंग है कि लाइन 2022 2022 तक के लाइन वन का वेरी वेरी जो मैंने रिव्यू लिया है और जो मैंने उसमें देखा है कि जो सिविल वर्क जो बचा है और जो इलेक्ट्रिकल का काम बचा है। देखिए अभी इलेक्ट्रिकल का काम कैसा होता है कि एक ज़माना पहले ऐसा था कि आप हमारे यहाँ भी A1 कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। तो A1 कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता था कि पेमेंट फॉर द मटीरियल अलग से दिया जाता था और दूसरा था पेमेंट फॉर द वर्क, और काम जो है वो एजेंसी करती थी तो मटेरियल लाके डंप कर दिया और 90% पेमेंट ले लिया और 90% काम हो गया। बट रियलिटी इज़ नॉट दैट 90% वर्क, रियलिटी इज़ एक्चुअली गेटिंग द वर्क गोइंग ऑन द ग्राउंड। सो बाद में सरकार ने A1 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बंद ही कर दिया। अभी हम लोग B1 कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं PWD और ऐसे डिपार्टमेंट्स। सो एज़ फार एज़ मेट्रो इज़ कंसर्नड, अगर आपने पूरा देखा तो इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, पर अगर पूरा देखा तो मेरे ख्याल से 2022 तक के उसमें इट विल टेक एटलीस्ट अ ईयर एंड अ हाफ टू 2 years फॉर द मेट्रो टू बी ऑपरेशनल। दैट इज़ वन। एंड एज फार एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कंसर्न, तो उसमें ना उसका काफ़ी डिटेल्ड ये है कि और उसमें काफ़ी अलग एजेंसीज है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन करके एक दूसरी एजेंसी है, एयरपोर्ट सेफ्टी का तीसरा एजेंसी है, IATA इज़ अ फोर्थ एजेंसी। तो उसमें सिडको इज़ एन एंटरप्रेन्योर। Yes, there are many other agencies which are to play, and therefore I think we should cross one bridge at a time, one step at a time should be the model in large projects. And the first step, as I said, is financial closure at that side, land acquisition on this side, and that is what we are going to do in the next 2 months. Yes, sir, aakhri sawal. सिडको जो है वो पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में प्लानिंग अथॉरिटी भी है और तमाम नागरी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सिडको के ऊपर है, और हमेशा इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सिडको सिटी डेवलपमेंट को लेकर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम कर रही है, लेकिन जब नागरिक सुविधाएं देने की बात आती है तो सिडको उस गंभीरता से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है नागरिक सेवाओं का। आपकी भूमिका सर क्या रहेगी कि पनवेल मनपा क्षेत्र में जिस तरह से सिडको ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई, उसी तरह से नागरिक सुविधाओं को लेकर भी गंभीरता अपनाई जाएगी? तो देखिए, नागरिक सुविधा के बारे में मेरे ख्याल से सभी ने उसको इम्पोर्टेंस देना है, और मैंने अभी एक निर्णय लिया है कि मैंने जो हमारे यहाँ पे एक IPS ऑफिसर भी है, तो हमारे इस संस्थे में 4 IAS अधिकारी है, एक IAS अधिकारी औरंगाबाद में होता है, 3 यहाँ होते हैं और एक IPS अधिकारी है। सो उस IPS अधिकारी जो है मिस्टर महावलकर, उनको मैंने आज सिविक मैनेजमेंट के लिए उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से दिया हुआ है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड अ सीनियर ऑफिसर हु विल विजिट द फील्ड, जो जाके देखे कि यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे ड्रेनेज ठीक से नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैनहोल का गटर खुला हुआ है। ये मैं जब इन माय अर्लियर डेज जब हम लोग म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह उस लेवल पे छोटे जगह पे होते थे, तो डे यूज़ टू स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह आप 6 बजे बाहर रहिए और उसके बाद आप देखिए कि सफाई कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसलिए मैंने एक सीनियर ऑफिसर को उसके इंचार्ज किया हुआ है जो इस पर फोकस करेंगे। दैट इज़ वन। हैविंग सेट दैट, दूसरी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सिडको जो है ये न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परफेक्ट। और डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है डेवलप करके अर्बन लोकल बॉडी को हैंड ओवर करना। परफेक्ट। और अर्बन लोकल बॉडी का काम उसके बाद होता है कि वो चीज़ को मेंटेन ले ले और उसको आगे चलाए। तो ये जब तक के समन्वय परफेक्ट नहीं होगा तब तक के सिविक एमिनिटीज़ का इशू जो है वो चलेगा। तो हमारा पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ डिस्कशंस चालू है, वेदर इट इज़ अभी मेरे ख्याल से जो कचरा है, कचरा का वाहतुक जो है पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, तो इसी प्रकार से पानी का विषय है और उसके बाद रोड, इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह का विषय है, वो टप्पे टप्पे में जो है हस्तांतरण का जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। सर मेरा एक सवाल छूट गया था, मैं आपको चाहता हूँ जोड़ दूँ, छोटा सा ही है। नवीनबाई को फ्री होल्ड सिडको से करने की मांग चलती रही है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सिडको का काम डेवलपमेंट है और उसके बाद हैंडओवर कर देना चाहिए जो अर्बन बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब सिडको को जो डेवलप एरिया है उसको हैंडओवर करना पड़ेगा अर्बन बॉडी को, आप ये मानते हैं? दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दिस, कि the urban development, new town development authority develops a new town, लेकिन दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे पास अर्बन अथॉरिटीज़ होती है। और जिस प्रकार से आपका न्यू बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आज
प्लानिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं, मोर इम्पॉर्टेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक फैसिलिटीज। एंड इनफैक्ट हमारे कायदे में अगर आप देखें तो कोई भी म्यूनिसिपल एक्ट हो, वेदर इट इज़ द BMC MCGM का जो एक्ट है, या वेदर इट इज़ द प्रोविंशियल म्यूनसिपल काउंसिल्स एक्ट, वेदर इट इज़ द नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक अपने एक्ट के तहत अलग पावर्स है। अच्छा, और MRTP में अलग पावर्स है। तो दैट पावर इज गिवन टू देम बाय द एक्ट इटसेल्फ। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज विल टेक अप द वर्क, but that doesn't mean that the property will go to them. Yes, okay. As far as transfer of property is concerned to an urban development body, so the point to understand is that CIDCO is basically a company which is owned by the government, the government of Maharashtra. And so वो सरकार का निर्णय होता है कि वो किस प्रकार से उसको अलाउ करेगा, कब करेगा, और ये एक धोरण का विषय, पॉलिसी का विषय है, और उस पॉलिसी के हिसाब से ये काम होता है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपने सुना कि खुद CIDCO MD डॉक्टर संजीव मुखर्जी साहब बोल रहे थे कि किस तरह से CIDCO जो है हाउसिंग फॉर ऑल योजना को लेकर, नई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर और मेट्रो को लेकर और जो दूसरी नागरिक सुविधाएं उसको लेकर CIDCO किस तरह से गंभीरता से इस वक्त काम कर रही है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तमाम दिक्कतें हैं, टेक्निकल बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसके बावजूद भी जो नए MD हैं डॉक्टर संजीव मुखर्जी जी, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि CIDCO की जो रुकी हुई या लंबित जो परियोजनाएं हैं उसको नई ड्राइव मिले और लोगों के लिए बेहतर सिटी जो है ये डेवलप हो, बेहतर सुविधाएं डेवलप हो। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।